प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे ही 2022 का साल लगा था, मैंने एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें मैंने हर माह भारत के अंदर कौन सी बड़ी घटना घटित होगी और कौन सा माह किस घटना के लिए जाना जाएगा, उस संदर्भ में आपको एक वीडियो दिया था। जनवरी माह के लिए मैंने कहा था नकारात्मक खबरों से शुरुआत होगी और आपने देखा कोविड के केसेस बढ़े। उसमें मैंने ये भी कहा था कि किसी भारत के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति की जान को खतरा रहेगा, ऐसी संभावना बनेगी, और आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई वो आपने देखी। फिर फरवरी माह के लिए मैंने क्या कहा था, जरा एक बार ये देखिए। उसके बाद बात करेंगे जनवरी के बाद में फरवरी माह की। फरवरी 2022 का साल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, शिक्षा क्षेत्र के जगत के लिए या शिक्षा से संबंधित कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, और 2022 का फरवरी का माह उसके लिए जाना जाए, इसकी संभावना बनती है। अब इस फरवरी माह के लिए जो मैंने आप लोगों से कहा था, 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई है, अब जरा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। 26 जनवरी को बिहार के अंदर छात्रों के द्वारा गया के अंदर और आरा के अंदर रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। आरोप ये लगता है कि वहां रेलवे ने जो परीक्षाएं आयोजित की हैं उनमें कथाकथित कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ ऐसे नोटिफिकेशन जारी हुए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और ऐसी परिस्थितियों का जन्म हुआ। और साथ ही वहां पर बिहार की एक जो बहुत ही फेमस टीचर हैं खान सर, उनके संदर्भ में भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने छात्रों को उकसाने का काम किया और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई। अब दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम के सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, खासतौर पे 26 जनवरी जैसे दिन के लिए तो। लेकिन चूंकि राजनीतिक लोग भी अपनी रोटियां सेकने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे में जो वहां ये घटना घटित हुई है उसमें जिन लोगों को पकड़ा गया है उसमें एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं, और अब छात्रों को भी रेलवे की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ने इस घटना पर संज्ञान ले लिया है और छात्रों से सुझाव मांगे गए हैं कि वो अपनी राय दें इस संदर्भ में आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से उनकी रेलवे की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके संदर्भ में उन लोगों से सुझाव मांगे गए। दर्शकों, अगर ब्रह्मांड में ग्रहों की जो परिस्थितियां बन रही हो उनका आकलन यदि पहले से कर लिया जाए तो समय रहते बहुत सारी चीजों को समझा भी जा सकता है। ऐसे में जो फरवरी का माह है वो स्पष्ट तौर पर गोचर ये बता रहा था कि फरवरी का माह शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, उसके लिए जाना। और अब देखिए कि घटना कैसे घटित होती है। सरकार को अब बाध्य भी होना पड़ा है इस घटनाक्रम को लेकर के कि कुछ बड़े निर्णय तो आपको करने पड़ेंगे आने वाले समय के अंदर, यदि हमें इन सब चीजों को व्यवस्थित तौर पर आगे भी अप्लाई करना है तो। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ वो निस्संदेह निंदनीय है। खान सर की जो भूमिका रही उसकी जांच पुलिस करेगी, ये मेरा काम नहीं है उनके प्रति कोई टिप्पणी देना। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार वो अपने वीडियोस के अंदर जब भी वो वीडियो बनाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो भावनाओं में बहकर के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं या उनकी भाषा शैली इस तरह की हो जाती है जैसे वो बहुत बड़ा कोई सुधारक जब कोई बात करता है, व्यवस्थाओं को बदलने की बात करता है और कुछ एग्रेसिव शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी प्रतिक्रिया उनकी अक्सर कई बार आती है। और कई बार वो इस चीज को भूल जाते हैं
कि व्यवस्थाओं को बदलना इतना आसान नहीं होता है, कहना आसान होता है। मेरे लिए भी बहुत लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब मेरी जगह पर बैठ करके वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस जब देंगे तो उनको पता लगेगा कि हमारे सामने भी कितनी सारी मर्यादाएं होती हैं, कितनी सारी बाध्यताएं होती हैं, कितनी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है, वस्तुकाल परिस्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे में हमें भी अपनी भाषा शैली का एक संयमित प्रयोग करना आना चाहिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ बड़ा सुधार होना है और प्रकृति यदि कुछ करवाना चाहती है और फरवरी का माह यदि इसके लिए जाना जाएगा तो घटनाक्रम तो कुछ ना कुछ बनना था और आप लोगों ने देखा भी है। ऐसे में इस क्षेत्र के संदर्भ में भी कुछ बड़े निर्णय आने वाले माह में, यानी यूं कह सकते हैं कि फरवरी माह में आप होते हुए देखेंगे। और ये भविष्यवाणी भी मेरी, या यूं कहिए ये आकलन जो मैंने आपको दिया था फरवरी माह को लेकर के कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम होगा, वो भी आप लोगों ने घटित होते हुए देखी है। इसीलिए दर्शकों, हमेशा एक बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष एक रोशनी है जो हमें अंधेरे में आगे क्या है उसको देखने की ताकत देती है। इससे ज्यादा ज्योतिष का कोई रोल नहीं होता है। ज्योतिष कभी भी घटने वाले परिणामों को परिवर्तित नहीं करती है, बल्कि आपको ये बताती है कि यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप उन परिणामों को परिवर्तित करने का प्रयास अवश्य कीजिए, ताकि प्रकृति आपको कम से कम नकारात्मक रिजल्ट दे या अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम दे। ये काम ज्योतिष का होता है मार्गदर्शन देने का, लेकिन परिणाम व्यक्ति विशेष की मेहनत ही निर्धारित करती है। इसीलिए दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फिर एक सटीक ज्योतिषीय आकलन के बारे में बताने का प्रयास किया है कि समय हमेशा वही घटित कराता है जो समय कराना चाहता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।